आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई के डैक्स फंक्शन। जो पावर बीआई का डैक्स फंक्शन होता है, इस डैक्स फंक्शन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमने एक डेटा को कनेक्ट किया है और हम बात करेंगे आज डेट कैटेगरी के फॉर्मूले के बारे में। हमें लास्ट क्लास में टैक्स कैटेगरी के बारे में पढ़ा था, आज हम डेट की कैटेगरी को पढ़ेंगे और उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा है। अब इस डेटा में आते हैं, डेट है तो ये डेट जो होता है वो डेट फॉर्मेट में होता है। अगर हो सकता है टेक्स्ट फॉर्मेट में हो तो उसको आप फिर वापस डेट फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, मेरा पावर बी आई का मैंने अपडेट कर दिया है, नया वर्जन है पावर बी आई, तो इसमें थोड़े थोड़े फीचर्स अलग हो गए हैं। ओके सर, यही वर्जन तो मेरे पास भी आता है सर, तो मुझे लग रहा था कि कम है। नहीं, चलिए उस टॉपिक हिसाब से बढ़ जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक नया कॉलम यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए कॉलम टूल्स आपको दिख रहा है। कॉलम टूल्स में कॉलम से रिलेटेड है, यहाँ पे आपके सामने न्यू कॉलम का फॉर्मूला आ गया। अब मैं यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करता हूँ। मान लीजिए मुझे इसमें सिर्फ ईयर को स्ट्रैक करना है। क्या करना है? सिर्फ ईयर को स्ट्रैक करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ईयर लिखूंगा और हमारे पास ईयर का फॉर्मूला होता है जो कि किसी डेट में से सिर्फ ईयर को अलग करता है। इसने क्या किया, इसमें से ईयर अलग कर दिया। लेकिन कॉलम में आते कि जरूरी नहीं है ईयर का ही फॉर्मूला लगाना। अगर मान लीजिए आपका डेट फॉर्मेट में है तो आप बिना फॉर्मूला के भी लगा सकते हैं ईयर। यहां पे डेट ना था, डेट और डेट में यहां आप सी डेट को सेलेक्ट करें और यहां पे बताता है कि इसमें क्या चाहिए। मुझे इसमें से सिर्फ ईयर चाहिए, तो ईयर को सिलेक्ट करके मैं एंटर मार दूंगा तो यहां पे सिर्फ ईयर आएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। मैं एक और कॉलम लेता हूं और मैं बात करता हूं न्यू मंथ का। तो यहां पे मैंने मंथ लिया, मुझे मंथ चाहिए तो मैं यहां पे मंथ फॉर्मूला अलग करूंगा, मंथ फॉर्मूला डालूंगा। मंथ यहां पे हमारा मंथ फॉर्मूला है और मंथ फॉर्मूला में भी हमने डेट डाल दिया, सी डेट में हमने यहां पे डेट ले लिया। तो ये भी पूछता है कि बिना फॉर्मूले के भी डाल सकते हो, फॉर्मूले के साथ भी डाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, चेक कर देता है। मैं एक और कर लेता हूं डे के लिए। तो हमारे पास डे फॉर्मूला किसी डेट में से पर्टिकुलर डे को अलग कर सकता है, डे का फॉर्मूला। और डे में हमने यहां पे डेट दे देता हूं। तो ये बात है फॉर्मूला में जो थी, मैं यहां से इसको सिलेक्ट करके डेट लगा सकता हूं, अलग कर सकता हूं। अब यहां पे मेरा आ गया आपके सामने। अब मुझे इन तीनों को, अगर मान लीजिए मेरे पास एक डेट था तो हमने अपने हिसाब से अलग कर लिया ताकि इसके हिसाब से मैं रिपोर्ट्स वगैरह बना सकूं। लेकिन मान लीजिए मेरे डेटा में इस तरह से अलग अलग होगा तो मुझे इसको कंबाइन करके डेट में लाना है। तो कंबाइन करके डेट में लाना है, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इस पे कि आखिर ये तीनों अलग अलग कब होगा, क्यों होगा। अलग अलग होने के चांसेस ये इसलिए होते हैं कि जो मल्टी क्या बोलते हैं मल्टी कंट्री के डेटा होता है उसमें दिक्कत होती है थोड़ी सी डेट फॉर्मेट्स की। जो हमारा डेट का फॉर्मेट होता है उस डेट फॉर्मेट में दिक्कत होती है। जैसे किसी सिस्टम का डेट होता है MMDDYY, किसी सिस्टम का डेट होता है DDMMYY। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 10 जनवरी है तो अगर MMDD पे है तो 10 जनवरी दिखेगा, DDMM पे हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर, मतलब मंथ ईयर में स्वैप हो जाता है। इसलिए बहुत सारे जो मल्टी कंट्री का डेटा है उस डेटाबेस में आप देखेंगे कि डेट ईयर मंथ अलग अलग होता है। तो आप एक नई कॉलम ऐड करके इन तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। एक कंबाइन कर सकते हैं डेट के फॉर्मूले से। डेट में आप ईयर को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप मंथ को सेलेक्ट कर लें, उसके आप डे को सिलेक्ट कर लें।
ये आपके सामने ईयर का आ जाता है। जरूरी नहीं है कि ईयर ए ईयर इस तरह से ही है, हो सकता है कि मान लीजिए कि ए ईयर आ गया, तो मैं मान लीजिए कि मैं डेट हटा देता हूँ, मान लीजिए कि मेरा कोर्स स्टार्ट डेट ए है, तो एंड डेट होना चाहिए 90 डेज बाद, तो मुझे 90 डेज का डेट कैसे, मतलब हम डेट पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कम सी डेट में हम यहाँ पे जो है देते हैं कि डेट सिंपल से ऐड कर देना है, डेट आपका जो है सीट के अंदर जो डेट है उसको देना पड़ेगा। हाँ, सीट के अंदर जो डेट है उस डेट को हम सिलेक्ट करते हैं और हम इसमें से डेट को लेते हैं, प्लस हमने 90 कर दिया, तो जस्ट प्लस और माइनस इसी तरह से किया जा सकता है, तो आपका वो डेट आ जाएगा। सॉरी, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए नहीं, मुझे चाहिए कि इसके 3 महीने बाद, मैं 90 डे ऐड करना चाहता हूं 3 मंथ, तो 3 मंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई डेट का। ई डेट किसी भी डेट में मंथ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो हमने यहां पे ऐड के लिए यहां सीट का डेट कॉमा हमने दे दिया, मान लीजिए 3 महीने ऐड करना था 3 कर दिया, तो 3 महीने बाद की डेट आपको यहां पे शो होगी। अगर मुझे अगर सब्ट्रैक करना है तो -3 कर दूंगा, तो -3 हो जाएगा और 3 महीने पहले की डेट दिखा देगा। तो ई डेट का फॉर्मूला होता है किसी भी पर्टिकुलर डेट में मंथ को ऐड करने की। अब बात आती है कि ईयर ऐड करना हो तो क्या करें, तो जाहिर सी बात है जितना ईयर ऐड करना है, हमारे 3 साल ऐड करने हैं, तो 3 × 12 कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मुझे इस डेट में 2 साल 4 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं, क्या जोड़ने हैं, 2 साल 4 महीने और 22 दिन, तो इस केस में हम डेट का फॉर्मूला अपनाएंगे जो अभी यहाँ पे डेट को कंबाइन करने के लिए यूज किया था, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और देंगे डेट, और फिर यहाँ पे देंगे फॉर्मूला ईयर का, और ईयर में हम देंगे सीट का डेट, हम डेट में से ईयर को ले लेंगे, फिर कॉमा मंथ के लिए सेम हम यहां पे मंथ का देंगे और डेट सी डेट उठा लेता हूं यहां से, ये मंथ ऐड हो जाएगा, और फिर डे में हम सेम डे फॉर्मूला लेंगे और सिर्फ हम डे का उठा लेते हैं। अब बोलोगे सर इसमें प्लस तो नहीं हुआ, या प्लस यहां मैन्युअली करना है आपको, ईयर में 2 साल तो मैंने यहां पे +2 कर दिया है, 4 महीने तो यहां भी हमने +4 कर दिया है, और 22 दिन यहां पे +22 कर दिया है। एंटर मारिए, आपको 2 साल 4 महीने 22 दिन ऐड होके आपके सामने डेट आ जाएगा। तो डेट में एडिशन समझ में आ गया आप लोगों को कि किसी पर्टिकुलर डेट में ऐड कैसे करेंगे। संदीप जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब एडिशन के बाद बात होती है सब्ट्रैक्शन की, कि मुझे दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है, दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालना है, कैसे निकाले, तो जैसे कि आपको नॉर्मल डेट चाहिए कि भाई क्या है, तो सिंपल सा जो है बड़ी डेट मतलब कि लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट जो आपका है वो आप यहाँ पे लगा लें। यहां पे आपके सामने सिंपल दो डेट के बीच में डिफरेंस इन द मंथ आएगा। अब इसको जो है यहां से जो है डेट एंड टाइम के जगह पे आप होल नंबर दे दीजिए, तो यहां पे आपको नंबर में आएगा। आ गया, ठीक है सर, तो दो डेट के बीच में आ सकते हैं। लेकिन क्या इसमें नेटवर्क डेज होता है? जी नहीं, नेटवर्क डेज नहीं होता है इसमें, मतलब मुझे संडे सैटरडे संडे इग्नोर करना हो तो कुछ ऐसा सिस्टम है इसमें, देखता हूं मैं।
क्वार्टर टाइम वैल्यू वीकेंड नहीं, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप इसमें ये निकाल सकें कि सैटरडे एंड संडे को छोड़ के किया जा सके, डेट को डेट का डिफरेंस निकालना। सॉरी, तो डेट का डिफरेंस निकालने का बस एक ही तरीका है, माइनस कर लीजिए। क्या इसमें डेटेड इफ का फॉर्मूला नहीं? हाँ, डेटेड डी आंसर, माफ कीजिएगा, मेरे पास एक फॉर्मूला है डेटेड इफ, डेट डिफरेंस, ये लगा सकते हैं डिफरेंस लेने के लिए, डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस पे डेट डिफरेंस में हमारा डेट वन, हमने यहां पे सीट का डेट ले लिया, कॉमा डेट टू, हमने यहां पे सी डेट ले लिया। अब बात करते हैं इंटरवल कि क्या निकालना है। मैंने बोला वाई निकालना है, तो दोनों के बीच में कितने साल है, उस साल, एक मिनट, अच्छा ईयर पूरा देना पड़ेगा। इन्वर्टेड कोमा में नहीं, हाँ सॉरी माफ कीजिए, इन्वर्टेड कोमा में नहीं है, उसे क्या से एक्सेल पढ़ाते पढ़ाते एक्सेल की आदत लगी हुई है, तो हम सोचते हैं कि एक्सेल में जैसे डालते हैं ऐसे यहाँ भी होगा। यहाँ सिलेक्ट करना होता है, ईयर सिलेक्ट करिए आपने तो एक ईयर आएगा, ठीक है। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया इसमें मंथ तो आपका मंथ आएगा, अगर इसमें आपने सिलेक्ट कर लिया मंथ के जगह पे क्वार्टर तो क्वार्टर आएगा। डिफरेंस, ठीक है सर। अब इसमें इसमें एक आता है, एक समझ में आ गया डेट डिफरेंस के बारे में। तो डेट डिफरेंस के बारे में आपको समझ में आ गया, राइट। इसमें आगे बढ़ते हैं, अब अगला ऑप्शन आता है, जैसे कि मैंने यहां पे मंथ निकाला, तो क्या इसमें हम मंथ में जैन फैब निकाल सकते हैं? जैन फैब, तो यहां पे कोई मंथ नेम का फॉर्मूला नहीं है, एक्सेल में क्या होता है मंथ नेम का फॉर्मूला होता है, बट यहां पे नहीं है। तो यहां सिंपल, अगर आपको चाहिए मंथ चाहिए तो आपको क्या करना है कि कुछ नहीं, ये कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप सिंपल सा शीट का जो डेट ले रहे हैं, डेट में जो आपने डेट लिया उसमें जो मंथ आ रहा है, एक मंथ होता है एक मंथ नंबर होता है, तो अगर मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया तो मंथ जनवरी फरवरी मार्च में आएगा, अगर आपने मंथ नेम सेलेक्ट कर लिया तो मंथ नंबर, तो फिर ये आपका नंबर में आएगा। फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि हमें शॉर्ट में जैन फैब में चाहिए, क्योंकि तो जनवरी फरवरी शॉर्ट फुल आता है, तो इसके लिए आपके सामने फॉर्मेट का फॉर्मूला है, इसमें आप सीट डेट को सिलेक्ट करें और कॉमा करके इसमें डाल दे MMM, 3 बार MM, तो ये आपका जैन फैब आ जाएगा। अब चलिए कुछ और फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इसमें फॉर्मूला का जिक्र ऊपर है, सबसे पहला कैलेंडर का, अब कैलेंडर का क्या यूज है इसे बताते हैं आपको, कैलेंडर का यूज क्या है।
चलिए एक सिंपल कॉलर में कैलेंडर का यूज करते हैं, ये दे लेते हैं यहाँ पे सीएल का नाम, सीएल। हमें लग रहा है इसमें कैलेंडर वर्क नहीं करेगा, कैलेंडर हमने सिंपल एंटर मार दिया। डेट स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये बोला है कि रिटर्न द वैल्यू, स्टार्ट डेट और एंड डेट डालते हैं उन दोनों के बीच की डेट आपको मिलती है। जहां पर मुझे आ रहा है कि ये हमें एक सीट पे वर्क नहीं होगा इसके लिए हमें, लेकिन यहां हमने थोड़ा देर पहले जब हमने डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाया था तो आपने देखा था कि इसमें कैलेंडर का डेट लगा हुआ है, मिनिमम कैलेंडर डेट। ओके नहीं नहीं हाँ कैलेंडर नहीं है, एक कैलेंडर फॉर्मूला नहीं है, एक कैलेंडर हमारा सेल वैल्यू है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। चलिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे देता हूँ कैलेंडर, हमने यहाँ पे दे दिया मिनिमम और यहाँ पे सीट डेट। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ठीक है सर, एंड डेट मैक्सिमम और यहाँ पे सीट डेट। क्योंकि एरर आ रहा है क्योंकि ए फॉर्मूला कॉलम के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला हमारा कॉलम के लिए नहीं है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला हमारा मेजर इसके लिए होता है, टेबल के लिए होता है, टेबल के लिए। टेबल पे मार्क एज टेबल एज टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डेट हमने यहाँ पे डेट फॉर्म, डेट फॉर्मूला लगा के 2020 कर देता हूँ, 2020 मंथ वन कॉमा डे वन, डेट हमारा है डेट ईयर 2020 सर, तो इन दोनों डेट के बीच का डेट को ये निकाल के दे रहा है। तो इसका यूज होता है कभी कभी, क्या होता है कि हमें कहीं एक मंथ का डेट चाहिए होता है, जैसे ड्रॉप डाउन वगैरह में हो गया फिल्टर वगैरह करने के लिए, तो इसका यूज हम यहां पे कर सकते हैं। ठीक है सर, चीज का यूज हम लोग करते हैं। तो जो आप पीरियड देंगे उस पीरियड का पूरा डेट एक कॉलम में आ जाएगा, ये हमारा कैलेंडर का फॉर्मूला है। वे कहता है कैलेंडर ऑटो, कैलेंडर ऑटो में अगर जैसे मान लीजिए कि आपने यहां इंसर्ट इसमें हो टेबल टूल्स में आते हैं और इसमें आपका न्यू टेबल आपको दिखता है, न्यू टेबल में मैंने यहाँ पे सी एल ऑटो कर दिया तो यहां देखेंगे कैलेंडर
यहाँ पे फाइनल फिजिकल ईयर मंथ डेट डालने की जरूरत नहीं है, एंटर भी मार सकते हैं डायरेक्ट हम। और यहाँ आप सीएल ऑटो पे जाके देखें तो आपका पूरा का पूरा इस ईयर का डेटा 1 जनवरी से लेके और आपका 31 तक आ जाता है पूरा। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2020 डाल के एंटर करता हूँ, यहाँ पे 20 ईयर एंड मंथ मैं 12 दे दिया। यहाँ एक से लेके हमारा अगले साल का 12 आ गया। अगर मान लीजिए मैं बोलता कि नहीं मेरा ईयर जो है 3 को खत्म होता है, यहाँ देखिए क्या होगा आपका, ये आपका 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, 4/1/2019 से स्टार्ट हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर आपको देता है, यहाँ पे खत्म हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर का यूज होता है। लेकिन इसका कोई यूज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने डेटा में क्या करेंगे। आगे की क्लासेस में हम कुछ और डैशबोर्ड पे काम करेंगे तो हो सकता है इसकी यूज हमें पता चल जाए, बट फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। अब इसमें एक आता है आपका एंड डेट, एंड ऑफ मंथ, जैसे यहाँ पे दिखा रहा आपको एंड ऑफ मंथ। तो अब एंड ऑफ मंथ में क्या है डेटा, जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें से जनवरी का डेटा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जनवरी का डेटा चाहिए, हमें जनवरी के डेटा के ऊपर कुछ चार्ट्स वगैरह लगाने हैं या अलग करने हैं मान लीजिए। तो इसमें एक तो है अगर मैंने मंथ यहाँ पे एक अलग टेबल पे चाहिए तो हम टेबल टूल्स में न्यू टेबल पे जाएंगे और मान लीजिए कि हम यहाँ पे जैन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ समीफ और बाकी चीज़ों के लिए, फिल्टर में मैं बोलता हूँ कि शीट 1 का डेटा हमारा है और हमें फिल्टर में जैसे कि अगर मुझे पता है कि हाँ मंथ में जैन है तो मैं यहाँ पे मंथ दे सकता हूँ कि मंथ इक्वल टू हम यहाँ पे जैन कर देंगे। तो इसमें सिर्फ इसी का डेटा या समीफ या काउंट इफ वगैरह जो है वो आ सकता है। यहाँ पे मैंने जैन को यहाँ पे सेलेक्ट कर ज्वाइन है तो ये आपका सी ऑटो जैन, तो सॉरी JAN नहीं एन छूट गया था। तो ये जनवरी का डेटा आ गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा जैन नहीं होता तो, अगर जैन नहीं होता तब क्या करते, तो इसके कई तरीके हैं। मान लीजिए मुझे मान लीजिए कि हर महीने की स्टार एंड डेट की सेल चाहिए, मुझे हर महीने की एंड डेट का ये मतलब कि मैं जिस महीने का चाहूँ उस महीने का एंड मंथ का एंड डेट का डेटा मतलब लास्ट डेट का डेटा मुझे चाहिए यहाँ पे, मुझे लास्ट डेट पता नहीं है फर्स्ट डेट पता है हमें, तो यहाँ पे हम ईओ मंथ का इस्तेमाल करेंगे। ईओ मंथ में हमारा डेट स्टार्ट डेट में हम दे देंगे डेट और डेट में बोलेंगे कि 2020 महीना है 1 और डे है हमारा 31, जरूरी नहीं 31 लिखें, हर महीने का अलग अलग हो सकता है या फिर ये डेट कैलकुलेट करके कहीं से आ सकता है। तो यहाँ पे हमने 0 कर दिया तो ये इसी महीने का डेट का डेटा दे देगा। यहाँ पे मुझे करना है डेट इक्वल टू, हाँ इसमें अब 31 का डेटा आई थिंक नहीं लग रहा है नहीं स्टेट में, एक काम करता हूँ 1 की जगह पे मैं 4 5 करता हूँ, 4 4 आई थिंक नहीं है इसमें। 2010 भी है कि नहीं पता नहीं, 2010 है शायद इसलिए ऐसा आ रहा है, 2020 करना था। आ गया ना सर।
हमें अलग डेटा निकालना नहीं है, हमें से समय याद होगा, लास्ट जो हमने आप लास्ट जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था इसी चीज़ के दिखाया था, क्योंकि हमें सम एक्स, सम इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ, एसएसयू के लिए चाहिए होगा हमें फिल्टर का फॉर्मूला, तो इसलिए हमने आपको लास्ट क्लास प्रोजेक्ट में समझाया था। तो मैंने मोस्टली जो है अपना डेट का फॉर्मूला मैंने समझा दिया है, आप एक बार इसको अपने एंड से देख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम कल बात करेंगे टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूले पे।